a long journey in Bigg Boss house, Keith Sequeira is out for the race to finale. So what actually went wrong, Keith? एक ही चीज जहाँ मैं गला चला गया और यहाँ पे हर एक चीज छोटी से छोटी आपको काफी भारी पड़ सकती है इस फॉर्मेट में. मेरे साथ जो मैं थोड़ा सा गलत चला गया टाइमिंग की वजह से, क्योंकि जब मैं वापस गया तो काफ़ी परिस्थितियों से अजीब नहीं लेकिन बहुत पर्सनल लॉस था मेरा वहाँ पे. तो वापस आया और अच्छा चला था वहाँ पे. कहीं ना कहीं क्रिसमस न्यू ईयर के बाद थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो गया था, उसमें मैं थोड़ा अपने में सहम गया. थोड़ा सा वक्त लगा कहीं 13th वीक के बीच में, तो वहाँ पे क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ 10 दिन मतलब थोड़ा सा अपने में था हफ्ते भर के लिए. तो आई थिंक मेरे वोटिंग में उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा. और 15वें हफ्ते में आप अगर आपकी वोटिंग पे फ़र्क पड़ता है तो वो आपको काफ़ी भारी पड़ेगा कहीं ना कहीं. तो मैंने सुना था कि वोटिंग में काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन आई थिंक 15वें हफ्ते में थोड़ा सा मैं स्लिप हो गया था, तो उसकी वजह से फाइनलिस्ट और फिनाले में वो फ़र्क रह गया. जी, रिग्रेट भी होता है कहीं ना कहीं कि मैं फाइनलिस्ट हूँ लेकिन फिनाले में नहीं हूँ. लेकिन इस बात से बहुत खुश हूँ कि 15 हफ्ते मेरे कैरेक्टर जैसा इंसान वहाँ पे रहा, लोगों ने संवारा मुझे और मुझे रखा घर में. बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं जो हूँ वो इस शो के बिल्कुल ऑपोजिट हूँ. लड़ता नहीं हूँ ज़्यादा, थोड़ा काम हूँ. यहाँ पे चाहिए लड़ाई झगड़ा और जितना और उसमें पढ़ेंगे उतना और देखेंगे. लेकिन इसके बावजूद लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे रखा. आप सभी ने मुझे इतने वोट्स दिए कि मैं मुझे बेघर नहीं किया जा सकता था. मैं सीजन्स नॉमिनेशन की ट्रॉफी पकड़ के भी 3 हफ्ते सर्वाइव कर गया आप लोगों के प्यार और आप लोगों की वोटिंग के बदौलत. इसलिए मैं अपने सारे फैंस को आपके इस चैनल के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच सारे प्यार के लिए, सारे वोट्स के लिए, आपके वक्त के लिए. और तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे बिग बॉस के घर में 15 हफ्ते रखा और मुझे अपना समझा. Do you feel any change in your life after the journey ends at Bigg Boss house? I think सीखने को बहुत मिला. बदलाव तो नहीं कह सकता, layers और आते हैं. एक बहुत बड़ी सीख है कि क्योंकि मैं शांत मिजाज का हूँ तो कई बार ये मेरे अगेंस्ट पहुँच जाती है बात, क्योंकि लोग थोड़ा सा टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं आपके तरफ. लेकिन इस घर में आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते, कभी कभी बहुत सख्ती से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है. तो ये सीख और करने के लिए मुझे मिला बिग बॉस के घर में. और ये भी मैं पता चला कि लोग कभी कभी ऐसे सिचुएशंस में पड़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा उनके कैरेक्टर में शिफ्ट हो जाता है, तो आपको उनको समझना पड़ता है, उनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है और आपको पेशेंट होना भी पड़ता है. और ये बहुत बड़ी सीख है लाइफ में. और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप किसी भी सिचुएशन से निकल के जा सकते हैं. अगर आपको डर भी लगता है सिचुएशन से, क्योंकि जाहिर सी बात है अंदर जाने के लिए इंसान डर जाता है, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है और अगर आप उससे निकलते हैं तो डेफिनेटली आप के कैरेक्टर्स में और अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं. So what are you going to miss the most and how many friends you think you have made? पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो होस्ट हैं सलमान जी, वो बहुत ही फन हैं. तो हर सैटरडे हम सभी घर वाले बहुत वेट करते थे उत्सुकता के लिए सैटरडे के लिए, क्योंकि उनके साथ इन्जॉय करने के लिए, जैसे प्रेशर कुकर में जो वाल्व पड़ता है सारी थकावट दूर हो जाती है, इन्जॉय करते हैं. और वो हमें हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं बहुत इन फनी वे में, और हंसी मजाक बहुत होता है उनके साथ. और कभी सुनाते भी हैं तो इतने अच्छे ढंग से सुनाते हैं, क्लास भी लगती है तो अच्छे ढंग से क्लास लगती है. बाद में ये भी बोलते हैं कि देखो शो के लिए अच्छा होगा ये, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है. तो मतलब बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और इतने बढ़िया होस्ट है, इतने मतलब उनकी तरह मेरे ख्याल से और कोई होस्ट हो नहीं सकता है शो के लिए. और मेरे ख्याल से सबसे जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बेनेवोलेंट और नॉन बायस्ड और ओपिनियनेटेड साथ में होस्ट, वही इस शो को मैनेज कर सकते हैं. तो हैट्स ऑफ उनके और उनके पर्सनैलिटी को और उनकी टीम को. और दूसरी बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग हमें लगी, जब हम अंदर गए थे घर, डबल ट्रबल का जो थीम था इसमें, तो हमें बंधन में रखा गया था. तो हर एक जो दो पर्सनालिटीज़ के लोग हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी क्लैश है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. शुरुआत में काफ़ी हुई थी मंदना के साथ जब हम दोनों बंधन में एंट्री हम लोगों ने की थी.
फिर बीच में अप एंड डाउन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट भी होता है, इसलिए अभी भी बनती है, कभी बिगड़ जाती है कभी बनती है। मैं तो स्ट्रैटेजी से खेलता नहीं हूँ, वो खेलती है, वो तो बोलती है साफ साफ कि मैं गेम खेल रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे जो मैं हूँ वो नहीं हूँ, कुछ और हूँ। तो ठीक है, वो उनकी सोच है। और इंटरेस्टिंग मोमेंट्स बड़े आए हैं, एक तो वो था जो अभी एक टास्क किया था साइलेंट डिस्को वाला, बहुत इन्जॉय किया था मैंने। और काफ़ी टास्क में एक जब मैं संचालक बना था, हालांकि बहुत प्रेशर होता है संचालक पे, लेकिन उसके बाद जब सोचते हैं तो हंसते हैं कि क्या क्या चीज़ें लोगों ने की। और हाँ, बड़ा मज़ा आया। आई थिंक कुछ हैं, हम लोगों ने प्लान्स भी बनाए मिलने के लिए, देखो अभी क्या होता है आगे। अंदर तो सच्चाई और सच्चे दिल से ही बात की थी हम लोगों ने। काफ़ी हैं, 3-4 ऐसे सुयाश है और प्रिंस केशवर, हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि जाएंगे। देखो क्या होता है आगे जाके, आई होप मेरी तरफ से तो अभी भी है, तो देखते हैं बाहर आके क्या होता है। Hope your fans keep loving you in your journey ahead. Neha Sawant, cameraman Mangesh, India Forums, Mumbai. Hi, this is Rimi Sen and you are watching me on India Forums, and please subscribe to WhatsApp TV.